ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो बहुत सारे नए बच्चे हैं जो यूके अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कम इंफॉर्मेशन कम नॉलेज के साथ हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि जनवरी इनटेक में आपके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके साथ आप यूके जाना पॉसिबल कर सकते हो, और रूल और चेंजेस के हिसाब से क्या फर्क और पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। तो जो जैन इनटेक होता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा छोटा इनटेक भी होता है यूके का, और सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड इनटेक भी होता है। ये ऐसा इनटेक होता है जिसमें प्री मास्टर्स, आईकास और फाउंडेशन प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। ये सब प्रोग्राम्स सितंबर में ओपन नहीं होते। सो यही वो इनटेक होता है जिसमें ये ओपन होते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है? इनका बेनिफिट ये होता है, जैसे प्रेजेंटली अगर हम देखें तो जिस स्टूडेंट के 43 हैं, मतलब 43 ओवरऑल 43 ईच है, वो अभी से पहले कहीं नहीं जा सकता था पूरे सितंबर इनटेक में, लेकिन अब वो जनवरी में जा सकता है। जिस बच्चे के 60% इंग्लिश में है प्लस टू के, वो पहले नहीं जा सकता था बट अब जा सकता है। जिस बच्चे के 10 प्लस टू में 50% है, वो पहले नहीं जा सकता था अब जा सकता है। मतलब इसमें वो कोर्सेज ओपन है जिनकी रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए जो पूरा साल कुछ भी नहीं कर सके अपने करियर के साथ, उनके लिए ये बेस्ट समय होता है अगर वो इसे संभालने में कामयाब हो जाए। तो बेटर तो ये है कि वो घर ना बैठे कंसल्टेंट को मिले, हमें मिले, किसी और को मिले, जहां आपका विश्वास है आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, जैन इनटेक से स्पाउस नहीं जा सकेगा, ये रूल्स में चेंजेस हैं, ठीक है। जिसको स्पाउस किसके साथ जा सकेगा, स्पाउस सिर्फ उस स्टूडेंट के साथ जा सकता है, या वही स्टूडेंट अपने स्पाउस को बुला सकता है जो स्टूडेंट जनवरी से पहले पहले अपनी क्लासेस को शुरू कर लेगा। मतलब जो स्टूडेंट नवंबर इनटेक या दिसंबर इनटेक में चला जाएगा, वो अपने स्पाउस को साथ भी ले जा सकता है या बाद में कभी भी बुला सकता है, बट जो जनवरी में जाएगा वो नहीं बुला सकता है। तो विदाउट आईलेट्स ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ब्रॉडवे के ऑफिस में 20 अक्टूबर को एक इवेंट हो रहा है जिसमें बीपीपी यूनिवर्सिटी के ऑन स्पॉट इंटरव्यूज एंड ऑफर लेटर्स मिलेंगे ऑन द स्पॉट। ये पंजाब में कहीं नहीं है कि यूके की यूनिवर्सिटी ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर भी दे और इंटरव्यू भी क्लियर कर दे, ये सिर्फ होगा ब्रॉडवे के ऑफिस में। सो 20 अक्टूबर नोट कर लें, 11 बजे से 4 बजे तक है, लेकिन ये नहीं है कि आप 20 अक्टूबर को आके ये कर सकते हो। यू नीड टू रजिस्टर बिफोर, यू नीड टू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर। आपको ऑफर लेटर पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलना है, आधे डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं, और जब तक ऑफर लेटर इश्यू नहीं होगा तब तक आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। सो इमीडिएटली स्टार्ट लाइनिंग अप विद द टीम। और ब्रॉडवे के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट अप्लाई करने का कोई भी स्टडी वीजा, ये है कि आपको पैसे ही वीजा लगने के बाद देने होते। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें और नोट कर लें कि एम्बेसी फीस अब बढ़ चुकी है, और प्रायोरिटी फीस जो पहले 25,000 होती थी अब 50,000 हो चुकी है। सो आगे जो जैन इनटेक है वो थोड़ा सितंबर इनटेक से एक्सपेंसिव भी हो चुका है, बट इसके साथ साथ वो बहुत सारे बच्चों के लिए वरदान है क्योंकि वो ईजी भी हो चुका है रिक्वायरमेंट्स को लेके। ब्रॉडवे तो असी शुरू कर रहे हैं एक वीजा ड्राइव जिदे विच मैं परसनली सारे ब्रॉडवे ऑफिस दे विच विजिट कर रहे हैं। 15 अक्टूबर तो जम्मू शहर तो शुरू होवांगे, फिर उस तो बाद अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, लिस्ट तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो, डेटा नोट कर सकते हो, शहर नोट कर सकते हो, एड्रेस टीम तो ले सकते हो। सो अपने स्टडी वीजा नु लेके तुसीं कनेक्ट कर सकते हो और पर्सनली मेरे नाल मिल सकते हो। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नु देवेगा हकीकत दी उड़ान।